मेरे पास एक छत पंखा है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये पंखा में शॉर्ट लगने के कारण ये पंखा चल नहीं रहा है। इसको हम खोल रहे हैं, खोल के देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। खोलने की कोशिश किया हूँ, तो अभी आपके सामने मैं खोल के दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो ये पंखा नहीं चल रहा है, इसमें शॉर्ट लग गया है, तो शॉर्ट के कारण ये पंखा बंद हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने खोल के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये देखें, तो ये देखिए पंखा में शॉर्ट लगने के कारण क्या प्रॉब्लम हो गया। ये देखें, ये देखें, ये देखिए तार वगैरह सब आपस में शॉर्ट हो गया, इस कारण से पंखा नहीं चल रहा था, लेकिन कॉइल इसका ठीक। तो ये पंखा में देखिए ये कॉइल तो ठीक बुझा रहा है, बाद में कि ये तार आपस में शॉर्ट हो गया, ये पावर जो काफ़ी आया ना वोल्टेज के कारण, ये लगता है शॉर्ट हो गया। तो अभी इसको हम आपके सामने ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आप भी इस तरह कर सकते हैं, तो कुछ जानकारी है आपके पास तो आप घर बैठे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें। तो आप इस वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें, मैं आपके सामने में एक एक करके चीज़ दिखा रहा हूँ। तो इस तरह आप जैसे कि ये तार आपस में शॉर्ट हो रहा है, तो आप इसको पहले देख लें कौन कौन तार इसका शॉर्ट हुआ है। तो ये देखते हैं ये भी तार ख़त्म हो गया, देखिए जल गया ये। तो इस तरह जो है एक तार को पहले आप निकाल के बाद दूसरे तार को निकालेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है वायरिंग करने में। तो आप इस तरह जो है पहले एक तार टूटा हुआ इसको आप पहले कंप्लीट कर लें, तो इस तरह आपको रोक। तो कनेक्शन मैंने कर दिया है, ये देखो मैंने आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने अलग से तार का इसमें जॉइनिंग किया हूँ, ये देखें ये सब मैंने जॉइनिंग किया, तार सब शॉर्ट हो गया था तो मैंने ये जॉइनिंग कर दिया हूँ। बाकी अब टेस्ट नहीं किया है, तो टेस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करने के बाद पूरा फुल पैक करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो अभी चेक नहीं किया मैंने, चेक भी करता हूँ अभी, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ चेक करके। तो आप और वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वायरिंग मैंने पूरा फुल कर दिया, इसका फुल वायरिंग हो गया है, ये देखें मैंने इसको शॉर्ट हुआ था यहाँ पे, तो मैंने वायरिंग किया है। बाकी अभी टेस्ट नहीं किया, मैं टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए कनेक्शन मैं अब कर लेता हूँ, ये मैंने बॉडी इसका कस दिया है, बॉडी पैक करने के बाद इसका जो है कनेक्शन भी कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको वो चला कर भी टेस्ट करा देते हैं। तो सब कनेक्शन प्ले करने के बाद मैं आपको ये देखें एक टेस्टर है, टेस्टर से मैंने इसको नट इसका टाइट कर दिया हूँ। तो देखिए ये कनेक्शन भी मैं कर ही देता हूँ आपके सामने। ये देखिए ये वायरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, इसका वायरिंग कर देते हैं। तो ये वायरिंग के बाद आपको हम चेक करा देते हैं। ये देखिए मैंने ये लगा दिया है आपके सामने, मैं ये सब कर देता हूँ फिर मैं आप, ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम बिजली में भी टेस्ट करा देते हैं। तो ये सामने ये देखो मैंने बिजली वाला वायरिंग भी कर देता हूँ।
ये देखें, ये बिजली वाला कनेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट जो सप्लाई आएगा इसके अंदर। ये देखिए पावर वाला तार लगा रहे हैं इसके अंदर। ये देखें, ये पावर वाला मैंने लगा रहा हूँ, ये पावर कनेक्शन है, मैंने ये पावर वाला ये देखें पावर वाला भी कनेक्शन मैंने कर दिया हूँ। बाद में कि इसका भी मैंने कनेक्शन करके टाइट कर दिया नट, नट अच्छी तरह से चेक कर लें, सब टाइट कर दें बढ़िया से, उसके बाद टेस्ट करें। इसमें कनेक्शन में क्या होता है, करते समय जो है ना पंखा कई बार होता है उल्टा भी चलने लगता है, तो एक बार पैरेलल लगा कर देख लेते हैं, उसके बाद इसको सेट करेंगे हम। तो अभी आप कनेक्शन मैंने कर किया है, अब इसको बिजली में लगा के चेक करा देते हैं आपको पावर में। ये देखिए मैंने बिजली में अब लगाने वाला हूँ, कनेक्शन अब रेडी है। मैं पावर में तार लगा रहा हूँ और ये चालू करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो लास्ट तक देखते रहें, और अभी मैं देखो ये चला कर दिखा देता हूँ आपको बिजली से। ये देखिए बिजली में मैं लगाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहें। ये देखें दोस्तों, ये आपका पंखा कंप्लीट हो गया है, पंखा चालू है। अब इसको आप छत में लगा सकते हैं। इसी तरह पंखा में कोई क्या होता है, कॉइल बहुत ही कम लोग का मतलब कि ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो पहला मिस्टेक होता है तार जलने के बाद ही कॉइल में फर्क पड़ता है। तो पहले एक बार चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे भी, अगर आपको पास जानकारी कुछ है तो, नहीं तो मिस्त्री के पास जाएंगे तो मिस्त्री कॉइल ख़राब हो तो कॉइल तो बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो छोटा मोटा प्रॉब्लम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसी तरह मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर। तो बस वीडियो में बस इतना ही।